नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी अमर कुमार पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की बेबी कुमारी को 36,653 मतों से शिकस्त देने में कामयाब रहे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। राजद उम्मीदवार के पिता मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने के चलते सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। टेलीविजन जगत की दिग्गज अदाकारा मंजू सिंह का बीमारी के बाद 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। शनिवार को ये जानकारी उनके परिवार की तरफ से दी गई। परिवार की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार को मुंबई में उनका निधन हो गया। मंजू सिंह के निधन से गीतकार, अभिनेता और निर्देशक सवानंद किरकिरे दुखी हैं। सवानंद किरकिरे ने ट्विटर पर मंजू सिंह की एक तस्वीर साझा की और लिखा है कि मंजू सिंह जी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी फेरी वाले को इस पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे रात में उसी जगह पर अपना सामान रखने की अनुमति दी जाए जहां वो फेरी लगाता है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने स्पष्ट किया है कि फेरी वालों को सिर्फ फेरी नीति के अनुसार ही बाजारों में सामान बेचने की इजाजत दी जा सकती है। सनराइजर हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने 17.5 ओवर में जीत हासिल की। केकेआर के लिए नीतीश राणा ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 36 गेंद में 54 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक छक्का ऐसा जड़ा जिससे डग आउट में रखे फ्रिज का कांच टूट गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है और इसके चलते यहां पर दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। यह होम आइसोलेशन के लोगों के घरों को जबरदस्ती उनसे छीना जा रहा है। दरअसल पीपीई किट पहने हुए पुलिसकर्मी चीनी लोगों के घरों को कोविड आइसोलेशन यूनिट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जब्त कर रहे हैं। सख्त कोरोना वायरस उपायों को लेकर शंघाई में पुलिस को निवासियों के बीच झड़प का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। अमेरिकी पत्रकार फरीद जाकरिया ने अपने एक बयान में कहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले को 9/11 में हुए हमले से काफी बड़ी घटना बताई जा रही है। उनका मानना है कि 9/11 के बाद यूक्रेन पर हुआ आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है। अमेरिकी पत्रकार ने कहा है कि जैसे बर्लिन की दीवार के गिरने से एक नई विश्व व्यवस्था देखने को मिली थी, वैसे ही यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के भी बड़े प्रभाव होंगे। कश्मीर प्रलाप जारी रखना पाकिस्तान के किसी भी शासक की मजबूरी बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में दंगा भड़काने फैलाने में कश्मीरियों को लेकर ट्रंप कार्ड खेला जा रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन कश्मीर विवाद के समाधान के बिना ये संभव नहीं है। अमेरिका में 2+2 वार्ता के लिए गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास से चीन को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने चीन के साथ टकराव में भारतीय जवानों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बारे में बताया। उन्होंने इशारों में कहा कि यदि भारत को कोई नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं छोड़ेगा। बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर रहा है, जिसके बाद सभी योग्य उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट के माध्यम से तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है। एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहते हैं। इस दौरान पवार ने भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उस पर हमला बोला है। बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 की आंधी अब तूफान बन चुकी है। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन भी केजीएफ ने हिंदी पट्टी में अपना धुआंधार प्रदर्शन जारी रखा। सिर्फ हिंदी वर्जन की ग्रॉस कमाई 2 दिन में 100 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। राजमौली की आरआरआर की से इसकी तुलना करें तो केजीएफ 2 ने ओपनिंग के दूसरे ही दिन 240 करोड़ की टिकट बॉक्स ऑफिस पर बेच डाली है। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये महामारी इस बार बच्चों पर कहर बनकर टूट रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 14 कोरोना पॉजिटिव बच्चों को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें से ज्यादातर में कोमॉर्बिडिटी है। गौरतलब है कि इस बार बच्चों के कोरोना से अधिक संक्रमित होने की वजह से माता पिता की चिंताएं बढ़ी हुई है। एसएस राजमौली की फिल्म RRR ने बॉक्स ऑफिस पर 21 दिन यानी कि 3 हफ्तों का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ने हिंदी वर्जन के 21 दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब वो 250 करोड़ के पड़ाव के बेहद ही करीब पहुंच गई है। हालांकि चौथे हफ्ते में फिल्म को केजीएफ चैप्टर 2 की टक्कर लेनी पड़ी है, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। पारा में जैसे जैसे उछाल आ रहा है, एसी की मांग बढ़ती जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में सूरज की किरण तेज हो गई है, जिसके कारण तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग एसी की खूब खरीदारी कर रहे हैं। कंपनियों ने एसी की बिक्री में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की है। मार्च में एयर कंडीशन की बिक्री का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है।
पाकिस्तान के शीर्ष उद्योगपति मियां मोहम्मद मंशा का मानना है कि ये समय उनके देश और भारत के व्यापार को फिर से शुरू करने और उनकी बेहतरी के लिए संबंधों में सुधार का है। पाकिस्तान के नंबर एक बिजनेस ग्रुप निशांत समूह के प्रमुख मंशा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, मैं महसूस करता हूं कि हमें भारत के साथ अपनी चीजों को सुलझाने की जरूरत है। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 975 नए मामले सामने आने से अब तक देश में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,44,947 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,366 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार 4 और संक्रमितों की जान जाने से महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,21,747 पर पहुंच गई। एयर इंडिया के बाद मोदी सरकार एक और सरकारी कंपनी को बेचने की पूरी तैयारी कर रही है। बहुत जल्द एचएलएल लाइफ केयर की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप दी जाएगी। दरअसल एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है और अब राजनीतिक विनिवेश के तहत ये कंपनी निजी हाथों में चली जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्र से आग्रह किया है कि वो तमिलनाडु को तूतीकोरिन बंदरगाह से श्रीलंका के लिए आवश्यक वस्तुओं को भेजने की अनुमति दे ताकि लोग विशेष रूप से तमिलों को मानवीय राहत मिल सके जो देश के खाद्य संकट से पीड़ित हैं। 31 मार्च को मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी चर्चा को याद किया और तमिलनाडु सरकार की लंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बंदरगाह से तमिलों के लिए खाद्यान्न और सब्जियां और दवाएं भेजने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की नीति के कारण देश को अगले 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलेंगे। भुज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को 200 बेड के पटेल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल समर्पित करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में लगभग 1100 MBBS सीटों के साथ सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 20 सालों में मेडिकल एजुकेशन में काफी सुधार हुआ है। पंजाब में मान सरकार बनने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं खेती के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी भी किसानों के लिए जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रोंग ने यूक्रेन में चल रहे संकट, दक्षिण चीन सागर की स्थिति सहित साझा हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर टेलीफोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय से मिली सूचना के मुताबिक दोनों नेताओं में यूक्रेन संकट को जल्द समाप्त करने के तरीकों पर बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुएन फू ट्रोंग की बातचीत से चीन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन ने शुक्रवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन संकट के बाद उसके वैज्ञानिक अपने रूसी समकक्षों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ रहा है और इसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिनों बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मिलने वाले डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते से 1 जनवरी 2022 से ये लागू होगा। इस तोहफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे सकती है। रूस बार बार दावे कर रहा था कि उसके खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक युद्ध जैसे हैं और रूस पर लगाए गए अत्यंत सख्त प्रतिबंधों का बहुत जल्द असर भी हो सकता है और रूस पर डिफॉल्टर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का फॉरेन बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध के वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट पैदा होने की संभावित समस्या से निपटने के लिए भारत दुनिया भर को कई तरह के सुझाव देने वाला है। ये सुझाव अगले सप्ताह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से विभिन्न देशों की बुलाई गई बैठक में दिए जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की यह पहली बैठक है जिसमें कोरोना काल के बाद ग्लोबल रिकवरी बीच यूक्रेन रूस युद्ध के असर की व्यापक समीक्षा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने 15 करोड़ गरीब जनता के सुचारू भरण पोषण के लिए मुफ्त राशन योजना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। उन्होंने शनिवार को टीम 9 के साथ हुई बातचीत में साफ तौर पर कहा कि गरीब जनता भूखे पेट ना रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से बेहतर किया है।
इनमें कोरोना वायरस संक्रमण से तबाही मची हुई है। शुक्रवार को 3472 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 20,700 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। चीन के शंघाई में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। शंघाई में लंबे समय से लॉकडाउन लागू है। नागरिक स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शंघाई में 3200 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पाकिस्तान ने हाल ही में एक गंभीर संवैधानिक संकट का सामना किया है, जिसे वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। नेशनल असेंबली में बहुमत गंवाने के बावजूद सत्ता में बने रहने की कोशिश का खामियाजा भुगतने के बाद इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया है। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के नजरिए से इस उथल पुथल के दौरान दो सकारात्मक बातें हुई हैं। दुनिया भर के बाजारों में रूस यूक्रेन युद्ध और इसके चलते बढ़ती महंगाई की वजह से भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट में वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में करीब 90 मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिले हैं, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022 में 190 स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुए हैं। इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से अपने शेयरधारकों के लिए दुधारू गाय का काम कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुदस्सिर रजा, विकास बिहारी, सोनाली सिन्हा, शंकर मुखिया, सलीम भाई, मोहन कुमार, ध्रुव कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमन कुमार, सौरभ मिश्रा, निकिता कुमारी, बिट्टू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में कोरोना के मामले स्थिर है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।